वतन वापस पहुंचने वाले खिलाड़ियों में कप्तान मिसबाहुल हक, मोहम्मद इरफान, इमरान फरद, शुएब मलिक और अकमल बरादरान शामिल हैं। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कप्तान मिसबाहुल हक ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कारकर्दगी खराब रही, टीम में बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। सीरीज में हमारी बैटिंग मुश्किलात का शिकार रही, जबकि जनूबी अफ्रीका ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके सीरीज अपने नाम की। मिसबाहुल हक ने अपने और हफीज के दरमियान किसी भी तनाजे की सख्ती से तर्दीद करते हुए कहा कि टीम में किसी किस्म के खिलाफात नहीं। मैं मेरे ख्याल में टोटली मेरे वहाँ पे भी इस चीज़ को कंडेम किया था कि ये बिल्कुल एक रबिश किस्म की न्यूज़ यहाँ पे चली, कोई ऐसे टीम में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी वजह नहीं थी, कोई इस वजह से टीम की परफॉर्मेंस नहीं हुई। मेरे ख्याल में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो बेहतर टीम थी, हमसे बेहतर खेली है और हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शिकस्त की बड़ी वजह बैट्समैनों का नाकाम होना था। कौमी टीम के लौटने पर शायकीन क्रिकेट मायूस नजर आए और उन्होंने खिलाड़ियों की नाकस कारकर्दगी पर एयरपोर्ट पर शदीद नारेबाजी भी की। शायकीन का कहना है कि बैट्समैन अगर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते तो अदाद व शुमार कुछ और होते और तारीखी सीरीज जीतने का मौका पाकिस्तान के हक में होता। एज यूजली जैसे बहुत अच्छे से हम लोग मायूस होते आ रहे हैं टीम की परफॉर्मेंस से, यही कुछ हुआ है, इस दफा भी बहुत मायूस हुए। मैं तो ये सोचती हूँ क्रिकेट को बंद ही कर देना चाहिए, अगर इसमें पॉलिटिक्स ही आनी है ना तो क्रिकेट खेलने का कोई फायदा नहीं है। इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, ठीक है, हमने पांचवें वनडे में भी बड़ा गंदा मैच खेला है। टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल नाकस रही है, इनमें कोई मतलब है कोई इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, जिसपे पाकिस्तान को मतलब है हमारी टीम जो है हम कह सकें ये बहुत अच्छा खेली है, जिसपे हम प्राउड कर सकें। कौमी टीम की हार पर शायकीन ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया और मुतालबा किया कि टीम मैनेजमेंट को खिलाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मौसर हिकमत अपनानी चाहिए। कैमरा मैन तुहार हुसैन के साथ आबिश फौजी, सिटी 42।